हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मेनू बार या नेविगेशन बार। आपने देखा होगा कोई भी वेबसाइट आप ओपन करते हैं तो वेबसाइट में जो एक आइकॉन होता है आपका, जिसे हम लोगो बोलते हैं, उसके बाद एक आपका हेडर इमेज होता है और उसके नीचे मोस्टली आपका होता है एक मेनू बार। मेनू बार का मतलब एक ऐसी पट्टी जहाँ पर हाइपरलिंक आपको मिलते हैं, जिस पर क्लिक करके आप दूसरे पेज पर जा सकते हो, उसे ही हम बोलते हैं नेविगेशन बार या मेनू बार। जो हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं या मेनू बार क्रिएट करते हैं, उसकी सीएसएस प्रॉपर्टीज हम कैसे देते हैं, उसी बात पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और हम ये देखने वाले हैं कि जो मेनू बार होता है या नेविगेशन बार होता है, वो हॉरिजेंटल मेनू बार कैसे क्रिएट करेंगे या हम वर्टिकल मेनू बार कैसे क्रिएट करेंगे। फिर मेनू बार की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सीएसएस प्रॉपर्टीज, यानी उसका कलर कैसा होगा, उसका स्टाइल कैसा होगा, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझने वाले हैं आज के सेशन में। चलिए हम शुरू करते हैं। हैविंग इजी टू यूज नेविगेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। विथ सीएसएस यू कैन ट्रांसफॉर्म बोरिंग एचटीएमएल मेनूज इनटू गुड लुकिंग नेविगेशन बार्स। यानी एक इजी नेविगेशन बार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपकी वेबसाइट के लिए, यानी आपका जो मेनू बार है वो बहुत ही इजी होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इसी यूज़र आसानी से इसको समझ के क्लिक कर सके। जब आप सीएसएस का यूज़ करते हो तो आपका जो मेनू बार होता है वो बहुत ही गुड लुकिंग हो जाता है। यहाँ पर देखिए दो तरह के मेनू बार दिखाए गए हैं आपको स्क्रीन पर। ये जो हमारा मेनू बार है ये वर्टिकल मेनू बार है, जहाँ पर सारे के सारे मेनू ऑप्शन वर्टिकली एक के नीचे एक आ रहे हैं। आपने साइट पर ऐसा देखा होगा कि होम टैब आता है, अबाउट अस पे क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित पेज खुल जाएगा, कोर्सेज पर क्लिक करेंगे तो कोर्सेज का पेज आ जाएगा, और कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टेक्ट अस का पेज आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल मेनू बार में क्या होता है कि सारे के सारे मेनू ऑप्शन हॉरिजॉन्टली एक के बाद एक अरेंज होते हैं। तो दोनों तरह का मेनू बार हम क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में आगे हम आपको बताने वाले हैं कि हम वर्टिकल मेनू बार कैसे क्रिएट करेंगे और हॉरिजॉन्टल मेनू बार कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेविगेशन बार इक्वल लिस्ट ऑफ लिंक्स। एक्चुअल में आपको पता है कि किसी भी टेक्स्ट या इमेज पर किसी दूसरे वेब पेज या दूसरे रिसोर्स का एड्रेस देने के लिए हम लोग हाइपर लिंक यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे मेनू में ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि होम है, अबाउट अस है, कोर्सेज है, कॉन्टेक्ट अस है, इन सब पे तो हमने किसी न किसी वेब पेज का एड्रेस या लिंक दिया ही है। और वो लिंक हम देते हैं किस टैग से, एंकर टैग से, ये जो हमारा ए टैग होता है। और ये जो हम एक के बाद एक हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं वो हम लिस्ट के एलिमेंट के रूप में क्रिएट करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो हम नेविगेशन बार क्रिएट करते हैं या जो हम मेनू बार क्रिएट करते हैं, उस मेनू बार में जो मेनू एलिमेंट्स होते हैं वो हम लिस्ट के माध्यम से क्रिएट करते हैं, और लिस्ट का जो एलिमेंट होता है वो हाइपरलिंक के माध्यम से दिया जाता है। हम कह सकते हैं जो लिस्ट ऑफ लिंक्स होता है या लिस्ट ऑफ हाइपरलिंक्स होता है, वही हमारा मेनू बार का स्ट्रक्चर बनाता है। ए नेविगेशन बार नीड्स स्टैंडर्ड एचटीएमएल एज बेस। इन आवर एग्जाम्पल वी विल बिल्ड द नेविगेशन बार फ्रॉम आ स्टैंडर्ड एच टी एम एल लिस्ट। यानी हम लिस्ट का यूज़ करेंगे मेनू बार क्रिएट करने के लिए। ए नेविगेशन बार इज बेसिकली ए लिस्ट ऑफ लिंक्स, तो यूजिंग द यू एल एन एल आई एलिमेंट्स मेक परफेक्ट सेंस। आपने टाइप ऑफ लिस्ट पढ़ा था, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट। हम लोग यूज करने वाले हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि हमें मेनू बार में नंबरिंग तो देनी ही नहीं है फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर सबसे बेसिक एग्जांपल दिया गया है। यू एल टैग आपने स्टार्ट किया और आपको पता है कि ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए होता है, और यहाँ पे एल आई होता है आपका एलिमेंट देने के लिए। तो एक एलिमेंट आपने ये दिया है, इसके अंदर आपने हाइपर लिंक टैग यूज़ किया है, जिसमें आपने यू आर एल दे दिया है इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, जो कि हमारी वेबसाइट का होम पेज होता है। ये ब्रेकेट बंद करना मैं भूल गया। और यहाँ पर टाइटल दे दिया होम। इसी तरीके से लिस्ट का जो दूसरा एलिमेंट है उसका हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है, और वहाँ पे जो फाइल का यूआरएल दिया गया है वो है अबाउट डॉट एस टी एम एल, दूसरा पेज वेबसाइट का, और टाइटल है अबाउट अस, फिर ए टैग बंद कर दिया गया, फिर लिस्ट बंद कर दिया गया। तीसरा जो हमारा लिस्ट एलिमेंट है
उसमें हमने फिर हाइपर लिंक दिया है, कोर्सेज वाली फाइल को जोड़ा है, टाइटल है कोर्सेज। इसी तरीके से चौथा जो हमारा मेनू ऑप्शन है वह है कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल जोड़ा गया है और टाइटल है कॉन्टेक्ट डॉट एस। तो ये देखा हमने कि हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट किया और लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं वहाँ पर सिंपल टेक्स्ट लिखने के बजाय हमने हाइपर लिंक यूज़ कर लिया है, जिससे हम किसी दूसरे वेब पेज का एड्रेस वहाँ पर लिंक कर सकें। और फिर वहाँ पर हमने क्या दे दिया है, टाइटल दे दिया है। अभी इतना ही बेसिक मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि हम मेनू बार इनिशियल लेवल पे कैसे बनाते हैं, फिर हम वहाँ पर CSS का यूज़ करके उसको गुड लुकिंग कैसे बनाते हैं। HTML दिया हमने, हेड, टाइटल दिया हमने, क्रिएटिंग मेन्यू बार और टाइटल हमने क्लोज कर दिया। नेविगेशन बार या मेन्यू बार का मतलब एक ही होगा, जिससे हम अपने वेबसाइट में नेविगेट करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अब हम शुरू करते हैं बॉडी टैग। अब यहाँ पर हमने H2 टैग यूज किया, लिख लिया दिस इज अ नेविगेशन बार, H2 टैग हमने क्लोज कर दिया। अब देखिए हम लिस्ट क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, ये हमने दे दिया UL और यहाँ पर हमने दिया LI एलिमेंट। एक तो आप सीधे दे सकते हो होम, तो होम लिख के आ जाएगा यहाँ पे लिस्ट एलिमेंट में, लेकिन यहाँ पे हमें हाइपर लिंक क्रिएट करना है एक्चुअल में, तो हम उसके लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, ए टैग। ए टैग यूज किया और ए टैग के बाद href आप देते हो, आपको सिंटेक्स पता होना चाहिए हाइपर लिंक का। और यहाँ पर हम किस पेज को जोड़ना चाहते हैं, जो हमारी वेबसाइट का होम पेज होता है एक्चुअल में। टेक्निकली जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो होम पेज का नाम होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जोड़ना चाहते हैं हम। टाइटल हमारा हो जाएगा होम और यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे हाइपर लिंक को, फिर हमारा लिस्ट क्लोज हो जाएगा। ऐसे जितने पेज आपको जोड़ने हैं उतने ही लिस्ट एलिमेंट आप क्रिएट कर लोगे अपने एलिमेंट में, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हमारा था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पर हम दे देते हैं कि हम अबाउट एचटीएमएल को जोड़ते हैं, यहाँ पर हमने दे दिया अबाउट अस। फिर हमने एक तीसरा पेज बनाया सपोज दैट, जहाँ पर हमने कोर्सेज का नाम दिया है, यहाँ दे दिया हमने कोर्सेज डॉट एचटीएमएल, यहाँ पर टाइटल दे देते हैं हम कोर्सेज। और यहाँ पर कॉन्टैक्ट वाला पेज हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट डॉट एस टी एम एल और यहाँ पर टाइटल दे देते हैं हम कॉन्टैक्ट अस। जब बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा कॉन्टैक्ट अस पर, तो पेज कौन सा खुलेगा, कॉन्टैक्ट डॉट एस टी एम एल। ये मान ली हमने चार पेज बना लिए सपोज दैट, ये हमने क्लोज कर दिया यू एल को, ये हमारा क्लोज हुआ। बॉडी टैग ये हमारा हुआ HTML। हम फाइल को सेव कर देते हैं, नाम दे दिया हमने मेन्यू डॉट HTML, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। अब देखिए जब इस फाइल को हम ओपन करते हैं मेन्यू डॉट HTML को, देखिए ये आपका आ गया बिल्कुल मेनू बार लाइक। अभी चूंकि हमने सिंपल लिस्ट का यूज़ किया है तो आपको पता है कि अनऑर्डर लिस्ट है, तो यहाँ पर बुलेट बन के आएगा। और हाइपर लिंक यूज़ किया हमने, तो हाइपर लिंक का टेक्स्ट कैसा होता है, अंडरलाइन होता है, ब्लू होता है। अब इस पर क्लिक करेंगे तो वो खोजेगा इंडेक्स डॉट एस टी एम एल, जो भी बनी नहीं है तो ओपन नहीं होगा, अगर बनी होती तो वो फाइल ओपन हो जाती। तो ये हमारा एक सिंपल मेनू बार हो गया, जहाँ पे हमने लिस्ट का यूज़ किया और हाइपर लिंक का यूज़ किया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, नाउ लेट्स रिमूव द बुलेट एंड मार्जिन एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज़ करने वाले हैं CSS प्रॉपर्टीज़ का। जो लिस्ट स्टाइल हमारी है, देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे हम, मार्जिन कर देंगे जीरो और पैडिंग कर देंगे जीरो। ये क्या करता है लिस्ट स्टाइल टाइप नन, रिमूव द बुलेट, यानी जो हमने लिस्ट अभी क्रिएट किया आपने देखा है कि वहाँ पर क्या है, बुलेट बन के आ रहा है, क्योंकि यू एल आपने यूज़ किया है अनऑर्डर लिस्ट, और आपको पता है कि अनऑर्डर लिस्ट में वहाँ पर बुलेट का साइन बन के आएगा ये। और अगर आपका ऑर्डर लिस्ट होता तो वहाँ पर नंबरिंग लिख के आता, तो हमें
अपने नेविगेशन बारे में ये नहीं चाहिए, सिर्फ नाम चाहिए बस। तो हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी लिस्ट टाइप नन और सेट मार्जिन जीरो एंड सेट पैडिंग जीरो क्या करेगा, टू रिमूव द ब्राउजर डिफॉल्ट सेटिंग। ठीक है, तो हमें यूएल टैग पे हमें प्रॉपर्टी सेट करनी है क्योंकि लिस्ट हमने यूएल टैग से बनाया है, तो यूएल टैग के लिए हम सी एस एस प्रॉपर्टी लिख देंगे ये सारी चीजें। तो इसी फाइल में देखिए हम क्या करते हैं, अभी यहाँ हमने शुरू किया स्टाइल टैग और यहाँ पर हमने यूएल के लिए सी एस एस प्रॉपर्टी लिखा। प्रॉपर्टी हमारी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप, हमने लिखा लिस्ट स्टाइल टाइप और यहां पर मैं कर देता हूं नन। ठीक है, इसके अलावा मार्जिन हो जीरो और पैडिंग भी जीरो, ये हमने क्लोज कर दिया सीएसएस की प्रॉपर्टी को। अभी हमें क्या यूज करना है, यहां पर जो हमने लिस्ट क्रिएट किया आप देखिए ये यूएल हमारा टैग है और यहाँ पर हमने यूएल के लिए डिफाइन कर दिया, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए मैं अपने पेज पे आता हूँ जो हमने क्रिएट किया है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को नो 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 स्टाइल टैग बंद करना मैं भूल गया, यहाँ पर हमारे स्टाइल टैग क्या होगा क्लोज होगा। ठीक है, स्टाइल टैग हम बंद कर देते हैं, सेव कर देते हैं, अपने वेब पेज पर आते हैं। ये देखिए ध्यान देखिए कि जो बुलेट बन के आ रहा था आपके लिस्ट के सामने से वो रिमूव हो गया या हट गया। ये जो बुलेट हमने हटाया है इसके लिए हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, यूएल के सीएसएस प्रॉपर्टी क्या है, लिस्ट स्टाइल टाइप, ये एक प्रॉपर्टी है सीएसएस की यूएल टैग के लिए नन। तो जो बुलेट होगा वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब थोड़ा सा हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मेनू बार होता है वो एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल, दो टाइप के मेनू बार बेसिकली हमारे होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो हम अभी बात करते हैं वर्टिकल नेविगेशन बार के बारे में, जहां पर हमारे सारे मेनू आइटम्स एक के नीचे एक आते हैं, ये हमारा वर्टिकल मेनू बार कहलाएगा। टू बिल्ड अ वर्टिकल नेविगेशन बार यू कैन स्टाइल ए एलिमेंट्स इनसाइड द लिस्ट इन एडिशन टू द कोड फ्रॉम प्रीवियस पेज। यहाँ पर जो हमारा ए टैग है जिससे हम हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, एल आई टैग के अंदर अगर हम हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे, अगर हम सिर्फ ए देते हैं तो जहाँ कहीं भी ए होगा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, लेकिन हमने लिखा एल आई स्पेस ए। तो एंकर टैग के लिए हम सी एस एस डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एंकर टैग जो एल आई के अंदर होगा। कोड क्या है हमारा, डिस्प्ले ब्लॉक, यानी डिस्प्ले ब्लॉक, ये डिस्प्ले एक हमारी प्रॉपर्टी है सी एस एस। डिस्प्ले का प्रॉपर्टी जो वैल्यू है हमने दे दिया ब्लॉक, यानी जो एलिमेंट हमारे हैं वो ब्लॉक वाइज बन के आएंगे, वो सिंपल टेक्स्ट के रूप में नहीं आएंगे। अभी आप देखिए जो हमने मेनू बार क्रिएट किया है यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट लिख के आ रहा है। ठीक है, अब टेक्स्ट के बाहर देखिए कर्सर है तो हाइपरलिंक काम नहीं कर रहा है, वो जैसे टेक्स्ट के ऊपर कर्सर जाएगा वो हाथ का पंजा बन गया। देखिए तो जो सिंपल टेक्स्ट लिख के आ रहा है हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे डिस्प्ले कोलन ब्लॉक, यानी हमारा जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक के रूप में आ जाएगा और विड्थ सबकी हम दे देंगे सेम 60 px। तो यहाँ पर टेक्स्ट जो छोटा है वो छोटा मेनू आ रहा है, जो बड़ा है वो बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे हम साइज सबकी दे देंगे 60, तो सबकी साइज क्या हो जाएगी 60 px की हो जाएगी। तो ये सी एस एस प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, ए टैग के लिए जो एल आई के अंदर में है। तो यहाँ पर मैं एक सी एस एस कोड और लिख देता हूँ, क्या हमने ये बोला कि एल आई टैग के अंदर जो हमारा एंकर टैग है ये, इसकी सी एस एस प्रॉपर्टी क्या देना चाहते हैं हम। तो पहली हमारी प्रॉपर्टी है डिस्प्ले, डिस्प्ले हम कर देते हैं ब्लॉक के अंदर में डी एल ओ सी के, अभी इतना ही देते हैं, मैं एक ही प्रॉपर्टी आपको दिखाता हूँ क्या फर्क पड़ेगा। आप देखिए मेनू बार पे आइए, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ डी आई एस पी एल ए, ठीक है, अब देखिए प्रॉब्लम इज एल आई डिस्प्ले ब्लॉक डब्ल्यू आई डी टी एच
एक्स की पी एक्स, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। ओह नो, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, कलर की दिक्कत आ रही है। वो बैकग्राउंड कलर हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ब्लॉक तो क्रिएट कर दे रहा हूँ मैं, लेकिन ब्लॉक ट्रांसपेरेंट आ रहा है, तो यहाँ पर हमें देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर। एक एक प्रॉपर्टी हमारी बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर को रेड ब्लू दे दिया। और देखिए एक और यहाँ पर है, जो लिस्ट आपकी आ रही है, क्योंकि वो हाइपरलिंक आपने यूज किया तो वो अंडरलाइन आ रहा है। आप देखिए सारी की सारी लिस्ट में नीचे कैसा आ रहा है, अंडरलाइन आ रहा है। ये अंडरलाइन अगर हमें हटाना है तो ये जो प्रॉपर्टी हमारी होती है कौन सी, टेक्स्ट डेकोरेशन, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू नन सेट करनी पड़ेगी। यानी बैकग्राउंड कलर तो जो हमारा ब्लॉक है उसका बैकग्राउंड कलर सेट करेगा, लेकिन टेक्स्ट डेकोरेशन हमें नन करना पड़ेगा, ताकि हमारा मेनू बार में ये जो अंडरलाइन आ रहा है, हाइपरलिंक अंडरलाइन आता है, ये हट जाएगा हमारा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, एक तो हमने बैकग्राउंड कलर ब्लू किया, फिर हमने किया टेक्स्ट डेकोरेशन, इसकी वैल्यू हमने सेट कर दिया नन। हम थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दें। अब देखिए ब्लू आ गया है हमारा ब्लॉक। अब दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा टेक्स्ट छिप गया थोड़ा सा, तो इसका कलर मैं लगभग वही कर देता हूँ जो एग्जांपल में है, 6xD। ठीक है, अब कलर क्या आएगा देख लेते हैं। ओह नो, टेक्स्ट डेकोरेशन पे तो हमें करना था नन, कलर कहाँ गया, ये है हमारा। अब देखिए देखिए आप गौर से देखिए, हमारा जो मेनू बार है उसमें ए टैग में जो अंडरलाइन आ रहा था वो हट गया है, और बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ग्रे हो गया है, तो ये हमारा हो गया। और खास बात क्या है, जब हमने ये नहीं दिया था ब्लॉक तो हम टेक्स्ट के ऊपर कर्सर रखते थे तभी हाइपरलिंक काम करता था। अभी देखिए इसके सामने भी अगर हमने कर्सर रखा है जहाँ पे टेक्स्ट नहीं है, तब भी होम वाला हाइपरलिंक वर्क करेगा। बीच में आएंगे यहाँ नीचे वाले पे तो यूएस यहाँ तक काम करेगा, अबाउट अस वाला। यानी जो पूरा ब्लॉक हमने क्रिएट किया है, ये पूरा ब्लॉक, इस पूरे ब्लॉक तक ये वर्क करेगा। कोर्सेज में टेक्स्ट के बाहर भी हम क्लिक करेंगे तब भी ये कोर्सेज वाला हाइपरलिंक काम करेगा। जो हमने ब्लॉक दे दिया है, ये कलर थोड़ा सा हम और डार्क अगर कर देते, मान लीजिए जैसे हमने थोड़ा सा येलो कर दिया, आपको दिखेगा स्क्रीन पर, ये हमने दे दिया, तो हर मेनू बार के बैकग्राउंड पे येलो कलर का ब्लॉक बन के आ जाएगा। ये हमने दिखाया आपको कि हम बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे ब्लॉक का, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देंगे। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कलर हो गया, ठीक है। देखिए डिस्प्ले ब्लॉक कलर हम दे देते हैं यहाँ पे, सिर्फ कलर, कलर हमारा टेक्स्ट का कलर होगा, किसका कलर होगा, टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, तो ये भी हम दे देते हैं। यहाँ पर COLOR ये दे देता हूँ मैं रेड। और एक प्रॉपर्टी और हमारी है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा हो आपको, तो कहाँ गया, पैडिंग जो हमने दिया हुआ है ना, 8x और 16x दे सकते हैं हम, तो अराउंड स्पेसेस होते हैं, पैडिंग 8x और 16x।
नॉट एक्स पी एक्स। अब देखिए क्या फर्क पड़ेगा, पैडिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं कि जो हमारी वैल्यूज है उनके अराउंड जो स्पेस होगा वो कितना होगा, तो ये हमने दे दिया। एक्टिव और करंट नेविगेशन लिंक, यहाँ पर होता क्या है, जो हमारा ये मेनू बार है नेविगेशन लिंक बना हुआ है, इसमें से किसी एक को हम एक्टिव बना सकते हैं और एक्टिव का हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो हमारा एक्टिव मेनू बार होगा उसका कलर। इसके लिए हमें एक यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी, नाम दे दिया हमने, एक क्लास बना लिया एक्टिव नाम से, और वहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमने कुछ कर दिया और कलर कुछ कर दिया। तो ये क्लास हम जिस भी टाइटल या टैग के साथ यूज कर लेंगे वहाँ पर ये चीज़ें आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास राइट करते हैं। चलिए हम शुरू में ही राइट कर लेते हैं, स्टाइल के बाद ही नहीं यहीं पे आते हैं, ठीक है सिस्टम में चलते हैं। हमने एक क्लास बनाया डॉट एक्टिव, आपको पता है ये क्लास हमारा है, सेलेक्टर है ये। यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो प्रॉपर्टी यूज किया हमने बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन, हम टाइप करते हैं या रेड दे देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया रेड, और कलर क्या दे दिया हमने, वाइट। यानी मेनू का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो रेड हो जाएगा और टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, जो टेक्स्ट लिखा है वो वाइट हो जाएगा। ये तो हमने एक्टिव नाम का क्लास बना लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे यहाँ पे लिस्ट आइटम दिए गए हम किसको एक्टिव बनाना चाहते हैं, हमें यहाँ लिखना पड़ेगा क्लास आईडी शायद लगता है क्लास में, देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, प्रोग्रामिंग बाकी वही है। ये है क्लास हमारा, क्या है क्लास इक्वल एक्टिव। तो हमने ये बोला कि यहाँ पर हमें जो क्लास यूज करना है वो एक्टिव नाम वाला क्लास यूज करना है। ये एक्टिव नाम का क्लास यूज करने का मतलब ये जो हमारा मेनू एलिमेंट बन रहा है होम नाम से, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा और टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, वाइट। आइए देखते हैं, कुछ न कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एक्टिव बैकग्राउंड कलर सेमी कोलन नहीं लगाया यहाँ पर, क्लास एक्टिव व्हाट्स द प्रॉब्लम इज एवरीथिंग इज ओके, ओह नो हमने एलआई के अंदर दे दिया, हमें यूज देना है ए के अंदर, हाइपरलिंक के अंदर हमें देना है क्लास एक्टिव, ये दे दिया हमने। अब देखिए जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है वो क्या हुआ, एक्टिव हमारा बन गया मेनू। मजे की बात यह है कि एक ही मेनू में हम एक्टिव नहीं दे सकते हैं, अगर हम ये वाला जो एक्टिव हमने यूज़ किया है क्लास एक्टिव, इसे हम लास्ट में या कहीं भी दे देते हैं तो वो भी हमारा जो मेनू एलिमेंट है वो एक्टिव बन जाएगा, जबकि यूजुअली ऐसा किया नहीं जाता है कि मल्टीपल एलिमेंट को हम एक्टिव बनाते हैं, हम एक ही एलिमेंट को एक्टिव बनाते हैं, लेकिन आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अभी हमने क्या किया, देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमने एक्टिव नाम का क्लास बनाया और उसका बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर चेंज कर दिया तो वो अलग हाईलाइट हो रहा है। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, जो हमने वैल्यूज लिखा हुआ है टेक्स्ट की वैल्यूज, ये देखिए सब लेफ्ट अलाइंड है, क्या है लेफ्ट अलाइंड अभी आ रही हैं, इनका अलाइनमेंट हम चाहें तो सेंटर कर सकते हैं, जिसकी प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन इक्वल सेंटर। और एक बॉर्डर प्रॉपर्टी हमारी है, ये अगर हम यूज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसके चारों साइड बॉर्डर लग जाएगा। आप देखिए अभी तक हमारा मेनू कैसा आ रहा है, ये प्लेन आ रहा है ऐसा, तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी हमें एक्स्ट्रा यूज़ करनी पड़ी है, ये हमें यूज़ करना है बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज़ करना है, तो यहाँ पे है बॉर्डर वन पी पी एक्स सॉलिड और कलर इसका चेंज कर दिया है, तो यूएल जो हमारा है यूएल की हमने प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ये यहाँ पर मैंने लगा दिया बॉर्डर, एक पिक्सल का बॉर्डर है 1px, बॉर्डर का टाइप क्या है सॉलिड है और कलर भी कुछ दे देते हैं ब्लैक। बॉर्डर में भी सॉलिड हैश 555
कलर के बाद ये प्रॉपर्टी लगेगी, मिस्टेक ये थी फिलहाल। तो कलर यूज ही नहीं करना, वो ग्रुप में दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। एक्चुअल में ग्रुप प्रॉपर्टी हम लोग दे रहे हैं तो टाइटल नहीं देना, ये ऑटोमेटिकली ये बॉर्डर की विड्थ हो जाएगी, ये बॉर्डर का स्टाइल हो जाएगा, ये बॉर्डर का कलर हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे बॉर्डर टैग डायरेक्ट यूज कर लिया है। सारी प्रॉपर्टीज हम साथ में एक लाइन में दे सकते हैं। देखिए आपका ये बॉर्डर बन के आ गया है, ठीक है, ये चारों साइड बॉर्डर बन के आ गया है। लेकिन हम बॉटम पे भी बॉर्डर चाहते हैं। अभी जो हमने बॉर्डर दिया हमने यू एल के साथ दिया है, किसके साथ दिया है, यू एल के साथ। जो हमारा पूरा लिस्ट है वो उसमें बॉर्डर बन के आ गया है। विड्थ इसकी थोड़ी ज़्यादा दे दी गई है यहाँ पर, विड्थ हमने कहीं पर दिया था अभी, ठीक है। चलिए अभी जो बॉर्डर दिया हमने यूएल के टैग के साथ दिया, तो बिल्कुल लास्ट में बन के आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम लिस्ट पे भी बॉर्डर देंगे। क्या करेंगे, लिस्ट जो हमारा है एलआई टैग है, यहाँ पर भी हम बॉर्डर दे सकते हैं हर एलिमेंट के लिए, एलआई के लिए दे सकते हैं। तो हर एलिमेंट पे बॉर्डर लग के आएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एल आई के लिए हमें सी एस एस लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर एक नया सी एस एस फिर लिखा। अब हम किसके लिए लिख रहे हैं, लिस्ट एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर हमें दो प्रॉपर्टीज देनी है, क्या क्या, एक तो हमें देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया हमने। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारा है बॉर्डर बॉटम, यानी नीचे हमें बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर हमारा हो जाएगा बॉटम, हम यही प्रॉपर्टीज यहाँ भी दे देते हैं जो बॉर्डर क्रिएट किया गया है। ये सेव कर दिया हमने। अब हम वेब पेज अपना ओपन करते हैं। अब देखिए अब हर एलाई टैग के बाद नीचे हमारा यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमने बॉर्डर दे दिया, हर एक के ऊपर बॉर्डर लग के आ गया। यहाँ पर विड्थ थोड़ी सी यूएल में हमें, जो हमारा यूएल था यहाँ पर विड्थ हम दे देते हैं 60, नो विड्थ 80। थोड़ा सा कम हो गया, इसको हम कर देते हैं 100। और थोड़ा सा ज़्यादा 120, ठीक है, परफेक्ट हो गया। थोड़ा सा थोड़ा कम कर देंगे बराबर हो जाएगा। तो ये देखिए हमने बॉर्डर बना दिया। अब हमारा पूरा जो लिस्ट है, नेविगेशन बार है, मेनू बार है, वो प्रॉपर उसके सारे के सारे एलिमेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर कर दिया, सारे हमारे मेनू के एलिमेंट क्या हो गए, सेंट्रली अलाइंड हो गए, जो कि अभी लेफ्ट अलाइंड सारे टेक्स्ट आ रहे थे। ये सब प्रॉपर्टी आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, ये सब सी एस एस प्रॉपर्टीज है। आपने यू एल के लिए प्रॉपर्टी लिखा है जो पूरे लिस्ट पे काम करेगा, एल आई ए पे आपने जो लिखा है जो हाइपर लिंक है सिर्फ उसी पे काम करेगा, और जो आपने एल आई के लिए लिखा है वो जहाँ जहाँ आपने एल आई एलिमेंट यूज किया है वहाँ के लिए ये काम करेगा। हम चाइल्ड वाली बात अभी नहीं करते फिलहाल। तो अब हमारा है इन लाइन लिस्ट एलिमेंट। इन लाइन लिस्ट एलिमेंट हमारा एक्चुअल में दो टाइप का मेनू बार होगा, एक इन लाइन होगा, एक फ्लोटिंग होगा। इन लाइन का मतलब बिल्कुल इस तरीके से एक के बाद एक प्लेन, ठीक है, ये हमारा इन लाइन हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लिस्ट टाइप है वो हम कर देंगे नन, मार्जिन कर देंगे जीरो, और एल आई में जो हमारा डिस्प्ले है ये इन लाइन करेंगे हम। बेसिकली हमें ये चीज़ करना है, एल आई के लिए हम एट्रीब्यूट लिखेंगे, उसका डिस्प्ले क्या कर देंगे, इन लाइन। तो हमने यहाँ पर जो एल आई लिखा, एल आई के लिए बनाया है ये इसका हम डिस्प्ले कर देंगे इन लाइन। ये हमने कर दिया, देखिए ये हमारा इन लाइन मेन्यू हो गया, क्या हो गया, इन लाइन मेन्यू हो गया। और दूसरा हमारा होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग का मतलब जहां पर एक के बाद एक सारे एलिमेंट फ्लोट कर जाएं, बगल बगल आ जाएं,
वो लेफ्ट से आएंगे, राइट से आएंगे, वो हम जो भी प्रॉपर्टीज देंगे। अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग हॉरिजॉन्टल नेविगेशन, नो एक्चुअल में ये हॉरिजॉन्टल पे हम आ गए हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे वर्टिकल मेनू बार की, तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल मेनू बार की। किसकी? हॉरिजॉन्टल मेनू बार की। और हॉरिजॉन्टल मेनू बार में हमारा कैसा आएगा? इस तरीके से आएगा, बगल बगल आएगा, एक के बाद एक। ये हमारा हॉरिजॉन्टल। इसके लिए क्या है, हम जैसे डिस्प्ले हम करेंगे इन लाइन, है ना, तो डिस्प्ले इन लाइन करते ही क्या फर्क पड़ेगा आप देख लीजिए। ये हमारा मेनू बार चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, क्या है एल आई टैग, बाकी हमने जो प्रॉपर्टी एक्चुअल में यूज कर ली है उसकी वजह से हमारा वो वर्टिकल ही आ रहा है। ये सारी प्रॉपर्टीज हमें हटानी पड़ेंगी, तो ठीक है मैं हटा नहीं रहा हूँ फिलहाल। तो लिस्ट स्टाइल नन, ये तो बुलेट हटाने के लिए हो गया। एडिंग बॉर्डर विथ एल आई डिस्प्ले ब्लॉक के अंदर है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हम ये सब यही रहने देते हैं, कुछ नहीं हटाते हैं। हम क्या कर देते हैं, जो हमारा एल आई है वहां पर फ्लोट में हम कर देते हैं लेफ्ट। क्या कर देते हैं? लेफ्ट। तो ठीक है हम चलते हैं एल आई टैग में, और यहाँ हमने प्रॉपर्टी यूज किया फ्लोट लेफ्ट। और हमारा जो ऑर्डर वगैरह थोड़ा हटा देते हैं, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मेनू बार हो गया। यहाँ भी हमने कुछ चीजें पहले से रहने दी, हटाया नहीं है कि शुरू समझाओ, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल मेनू बार और हॉरिजॉन्टल मेनू बार में बस डिजाइन का अंतर है। जो एक्टिव हमारा मेनू आइटम है उसके लिए प्रॉपर्टीज वही होंगी, बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टीज वही होगी, तो उसको मैंने रिमूव नहीं किया। ये हमारा बन गया हॉरिजॉन्टल मेनू बार, ये फ्लोटिंग टाइप का हो गया, ठीक है। और इसी में जब हमने अभी टैग लगाया है, फ्लोटिंग इक्वल लेफ्ट, ये ठीक है ना, इसी को अगर हम कर देते हैं इन लाइन वाला, ये डिस्प्ले इन लाइन, इसको हम हटा देते हैं अभी, और यहां पर हम लिखते हैं डिस्प्ले इन लाइन। ये प्रॉपर्टी आ रही है, तो हमें कुल मिला के यहाँ पे क्या करना है, यहाँ में करना है फ्लोटिंग कर देना है लेफ्ट को, तो वो सारे के सारे मेनू बार लेफ्ट साइड के बाद अरेंज होते चले जाएंगे। सबसे पहला लेफ्ट, उसके बाद ये हमारा बन जाएगा हॉरिजॉन्टल मेनू बार। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे सारे एलिमेंट को क्रिएट करते हो। कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्या सारी प्रॉपर्टीज में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। UL जो हमारा अनऑर्डर लिस्ट है उसमें लिस्ट टाइप हमने क्या कर दिया, नन कर दिया, जो हमारा बुलेट आते थे वो नहीं आएंगे। मार्जिन पैडिंग जीरो कर दिया, ओवरफ्लो हिडन कर दिया। LI में हमने क्या दिया, फ्लोट लेफ्ट, यही आपका मेन है हॉरिजॉन्टल मेनू बनाने के लिए। LI में हमने क्या कर दिया, फ्लोट लेफ्ट। और लिस्ट में जो हमने हाइपरलिंक दिया है उसका डिस्प्ले हमने ब्लॉक वाइज किया है, पैडिंग हमने 8px किया हुआ है, यानी स्पेसिंग थोड़ा सा 8 पॉइंट का पिक्सल का, बैकग्राउंड कलर हमने अलग कर दिया है। फिर हेड टैग में के बाद बंद किया हमने, बॉडी टैग ओपन किया, हमने लिस्ट क्रिएट किया, ये हमने लिस्ट के एलिमेंट दे दिए, वो सारे एलिमेंट इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से अरेंज होते चले जाएंगे। एक चीज देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। ये बताया है कि फ्लोट लेफ्ट क्या करता है, फ्लोट लेफ्ट हमारे सारे के सारे एलिमेंट लेफ्ट टू राइट अरेंज होते चले जाएंगे। डिस्प्ले अगर हम ब्लॉक के अंदर कर देते हैं तो जो सिर्फ टेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं हाइपरलिंक, पूरा जो एरिया बन रहा है चौकोर चौकोर, ये पूरा एरिया बन रहा है। जैसे अभी देखिए ये होम है, हम होम पर तो क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे, हाइपरलिंक टेक्स्ट है, लेकिन होम के अलावा जो पूरा ब्लॉक हमारा बना हुआ है रेड कलर का, देखिए
पूरे ब्लॉक में कहीं पर भी हम क्लिक करेंगे हाइपरलिंक काम करेगा, ये होता है ब्लॉक का मतलब। वरना जब होम पे पार्टिकुलर कर्सर ले जाते हैं तभी हाइपरलिंक वर्क करता है, लेकिन जो पूरा ब्लॉक आपको दिख रहा है, पूरे ब्लॉक में कहीं भी आप क्लिक करोगे, तो कुल मिला के जब हम ब्लॉक यूज करते हैं तो ये बटन के रूप में पूरा एलिमेंट काम करने लगता है। बिल्कुल ऐसे अबाउट अस जो हमारा है, हम कहीं भी क्लिक करें पूरे ब्लॉक में हाइपरलिंक काम करेगा। तो ये हमारा डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी करता है। पैडिंग टेक्स्ट के अराउंड जो स्पेस होता है, और बैकग्राउंड कलर उस एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए होता है। अब राइट अलाइन भी हम कर सकते हैं लिस्ट को, अगर हम पूरी पूरी लिस्ट को ही राइट अलाइन कर देते हैं। देखिए फ्लोट लेफ्ट है, हमने फ्लोट राइट कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? हमारे सारे के सारे मेनू एलिमेंट जो हैं वो राइट अलाइंड हो जाएंगे। देखिए स्क्रीन पे सब के सब कहाँ चले गए? राइट। ये थोड़ा सा पैडिंग हमने ज्यादा दे के रखा हुआ है, आप तो हट जाओगे। ये हमारा मेनू देखिए, अभी हमारा राइट अलाइंड हो गया स्क्रीन पर, ठीक है। और इसको अगर हम कर देते हैं फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं, लाइट टाइप की ये है, फ्लोट को हमने कर दिया लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में आ गया हमारा पूरा मेनू बार। लेकिन हम इसमें एक चीज क्या कर सकते हैं, हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का स्टाइल, इनलाइन CSS है, हमने आपको CSS का तीन टाइप बताया था, इनलाइन बताया था, इंटरनल बताया था, एक्सटर्नल बताया था। तो हम सारे एग्जांपल में लगभग इंटरनल यूज कर रहे हैं, यानी CSS कोड पहले डिफाइन कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम उस पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ दे दे रहे हैं ये स्टाइल प्रॉप, उसका एट्रीब्यूट यूज करेंगे और फ्लोट क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। तो लास्ट वाला जो हमारा मेनू है कॉन्टेक्ट अस, आप देखिए ये हमारा मेनू है, ठीक है। ये तो जो लिस्ट हमारी लास्ट वाली है उसमें हमने लगाया स्टाइल प्रॉपर्टी, ठीक है। और स्टाइल प्रॉपर्टी में हमने क्या दे दिया, इक्वल फ्लोट राइट दे दिया हमने, ठीक है। ऊपर तो हमने एलआई में पूरा पूरा फ्लोट लेफ्ट दिया है, सारे एलिमेंट लेफ्ट में हो जाएंगे, लेकिन एक एलिमेंट जो हमने लिस्ट क्रिएट किया उसकी स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हमने इनलाइन सीएसएस दे दिया फ्लोट राइट। तो जो हमारा ये वाला एलिमेंट है, कॉन्टेक्ट वाला एलिमेंट है, ये हमारा देखिए राइट में अलाइन हो जाएगा। देखिए ये आ गया हमारा, दिख रहा है ना। बाकी हमारे मेनू कहाँ है, लेफ्ट है, और ये कहाँ जाके अरेंज हो गया, राइट हमारा अरेंज हो गया। जो हमारा UL है यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया क्या? ये हमने समझा दिया। अब देखिए कुछ हमारे मेनू, जो हमारा मेनू है वो कहाँ पर फिक्स्ड रहेगा, वो टॉप पे रहेगा या बॉटम पे रहेगा, इसके लिए हमें UL के साथ CSS एट्रीब्यूट देना होता है। ये पोजीशन एक तो हो गया, फिक्स्ड अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। टॉप जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जीरो से आ जाएगा। विथ 100% का मतलब पूरी स्क्रीन पे वो अरेंज हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं UL प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं इसकी। ये हमारी UL प्रॉपर्टी ऑलरेडी क्रिएट है, लिस्ट स्टाइल है, मार्जिन ये है। हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं जो हमने नहीं दिया अभी तक। पहला काम तुम यही कर देते हैं, इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। PACKGROUND बैकग्राउंड कलर, चलिए अभी नहीं वर्क करा, चलिए हम ये वाली प्रॉपर्टी फिलहाल देख लेते हैं। हमें क्या करना है, मेनू बार को हमें अरेंज करना है कहां पर, टॉप पे। तो हम देंगे UL प्रॉपर्टी पोजीशन फिक्स दे देंगे और टॉप जीरो कर देंगे, बाय डिफॉल्ट टॉप पे आता ही है। अगर हमें बॉटम पे देना है मेनू बार, तो UL की प्रॉपर्टी में पोजीशन फिक्स करेंगे, बॉटम जीरो कर देंगे। मेन चीज़ ये है, बॉटम क्या कर देंगे, जीरो। तो हम आ जाते हैं UL की प्रॉपर्टी में ये, और यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं UL की प्रॉपर्टी में पोजीशन फिक्स और बॉटम जीरो, ठीक है। ये हमने किया, पोजीशन फिक्स हमने कर दिया और बॉटम हमने कर दिया जीरो। ये अब देखिए जो हमारा मेनू बार है
वो स्क्रीन पर नीचे आके अरेंज हो जाएगा, कहाँ आ जाएगा, बॉटम पर आ जाएगा। और एक चीज हम और कर सकते हैं, जो इसका विड्थ है, कॉल रहेगा, कोलन लगना चाहिए, फिलहाल तो सीएसएस प्रॉपर्टी है, कोलन ही लगेगा, कोलन लगेगा। विड्थ हमने कर दिया 100%, इसका असर आप देखिए क्या होगा, जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे पूरी स्क्रीन पर अरेंज हो जाएगा। तो हमारा मेनू बार जो टॉप पे आता है उसकी हमें सीएसएस प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है, कौन सी, बॉटम जीरो। तो हमारा मेनू बार स्क्रीन के बॉटम पर आकर अरेंज हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेनू बार कैसे क्रिएट करते हैं, वर्टिकल मेनू बार कैसे क्रिएट करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेनू बार क्रिएट कैसे करेंगे। और मेन हमारा जो था ये सारी प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को अगर आप सही से नहीं समझते हो तो आपका मेनू बार का जो लुक है वो इतना गुड लुकिंग नहीं आएगा, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्रिएट किया था, लिस्ट था, हाइपर लिंक था, हाइपर अंडरलाइन था, उसी तरीके से आएगा। और ये जो आपका अलग अलग एरिया आ रहा है पूरा एक हिस्सा बटन के रूप में, या अब इस पूरे हिस्से में कहीं पर भी क्लिक करो हाइपर लिंक वर्क करेगा, वो हमारा है ब्लॉक से, किससे, ब्लॉक, यानी जो हमारा मेनू बार का स्टाइल है वो हम किस में कर देंगे, ब्लॉक में दे देंगे, तभी वो उस तरीके से आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।